हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हम जानते ही है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल सपोज हमें दिया हुआ है, मानो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये ए बी सी है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हम इसका यूज स्टैंडर्ड 9th में 8th में भी करते आए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर सम ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब कि ए सी स्क्वायर अगर मेरा हाइपोटेनियस है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो मेरा हाइपोटेनियस होता है। अब यही थ्योरम हमें प्रूव करना है सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल की वजह से। तो सबसे पहले तो हमें ये थ्योरम 6.7 जो है हमारा वो हमें पता होना चाहिए कि थ्योरम 6.7 क्या है। तो सबसे पहले थ्योरम 6.7 के लिए आपको वर्डिंग फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, देन द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल ऑफ ईच। मतलब कि ये बात ये बोल रहे हैं कि अगर आपका ए बी सी ट्राइंगल है, सपोज कि ए बी सी ट्राइंगल हम ले लेते हैं और हमारा बी एंगल है वो 90 डिग्री है। सपोज ए बी सी ट्राइंगल है, वहां पे बी एंगल है हमारा 90 डिग्री। अगर हम बी में से कोई एक लाइन परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ करते हैं और मान लो कि वो हमारा डी है, तब परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल अदर ट्राइंगल, तब यहाँ पे जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी, मतलब कि ये अगर हम सेपरेट फिगर में ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरह का होगा। फर्स्ट वन तो ट्राइंगल ए बी सी है। अब देखो कि मैं यहाँ पे सेपरेट आपको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ कि यहाँ पे ये सपोज मान लो कि ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, ओके। अब बी एंगल तो श्योर है हमारा कि 90 है, ये एंगल मान लो कि ए थीटा है, तो सी एंगल हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब दूसरी फिगर हम अगर ये वाले ट्राइंगल की ड्रॉ करते हैं, बी यहाँ पे डी 90 है, बी डी सी, ओके बी डी सी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये सी एंगल तो पहले से फिक्स था कि वो 90 माइनस थीटा था और ये 90 है, तो ये बी एंगल यहाँ पे क्या होगा ओनली थीटा ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सेम वे अगर मैं यहाँ से अपर वाला ट्राइंगल ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ओके अब यहाँ पे डी 90 है और ए एंगल पहले से ही थीटा है, तो बी एंगल यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब हम समझते हैं कि ट्राइंगल, सपोज मैं फर्स्ट वन ले रहा हूँ कि ए डी बी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल के लिए मगर बता रहे हैं कि ए बी डी ट्राइंगल, यहाँ पे 1 और 2 लिख रहा हूँ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल कौन सा होगा। यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे मौजूद है कि ए एंगल है वो मेरा थीटा है, ए एंगल मेरा थीटा है, सी एंगल 90 माइनस थीटा है, और ए डी बी के साथ ए के साथ तो ए एंगल ही आएगा। ए डी बी 1 और 2 लिखा है वो ट्राइंगल में, ए डी बी और ए के साथ ए एंगल देख लो आप क्या है थीटा है, तो यहाँ पे बी एंगल क्या है थीटा, मतलब ट्राइंगल बी और डी के साथ बी एंगल ही होगा, बी डी और सी, ओके। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल, एंगल की वजह से आप तीनों एंगल भी ले सकते हो। दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं कि पूरा ट्राइंगल और ए डी बी ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल ए डी बी के साथ, ट्राइंगल ए डी बी के साथ ये पूरा ए बी सी ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूँ तो ए के साथ एंगल ए आएगा, ओके, डी के साथ एंगल बी आएगा और यहाँ पे सी आएगा, वो भी एंगल एंगल से सिमिलर हो सकता है। और तीसरा ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ कि ट्राइंगल बी डी सी, ओके, उसके साथ पूरा ए बी सी ट्राइंगल में लेता हूँ तो क्या आएगा, हम बी के साथ ए, डी के साथ बी और सी, वो भी एंगल एंगल से सिमिलर होगा, ओके। अब ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बारे में लिख सकता हूँ, तो उसके रेशियो क्या मुझे मिलेंगे वो लिखते हैं हम। कि फर्स्ट ट्राइंगल अगर जो है ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी है, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, मतलब कि बी डी स्क्वेयर
बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ये हमारा रिजल्ट वन है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने हाइपोटेनियस ड्रॉ किया हुआ है तो हाइपोटेनियस का स्क्वेयर मतलब कि बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी होगा। दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं कि ए डी बी और ए बी सी सिमिलर है, ए डी बी और ए बी सी ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हुए है, तो उसकी बात करते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी है। तो यहाँ पे भी मैं करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बारे में बता सकता हूँ कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या मिलेंगे मुझे, तो वो बताने के लिए फर्स्ट वन कि यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मिलेगा मुझे। अब फर्स्ट वन कि यहाँ पे बी डी अपॉन बी सी का मुझे कोई काम नहीं है, तो यही साइड ये हो जाएगी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, मतलब कि ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। फिर से यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर टू दे देता हूँ, फिर से हम चलते हैं हमारी फिगर की ओर। तो फिगर में यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ए बी का स्क्वेयर क्या मिलेगा, देख लो फिगर से समझ लो, ए बी का स्क्वेयर क्या होगा ए डी इंटू फुल साइड ए सी। तो आपका आंसर वही आ रहा है कि ए डी ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब थर्ड वन भी देख लेते हैं कि थर्ड वन क्या मिलता है हमें। थर्ड वन में दिया है ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, वहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल अगर ए बी सी है तो मैं ये बात लिख सकता हूँ बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। मतलब कि यहाँ पे मुझे बी डी अपॉन ए बी का कोई काम नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका मुझे कोई काम नहीं है, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, इसको मैं थर्ड नंबर बोल देता हूँ। तो यहाँ से फिर से फिगर से समझने की ट्राई करते हैं कि बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा। हम बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये साइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। फिर से मैं आपको यहाँ पे तीनों के तीनों रिजल्ट आपको बता देता हूँ कि ये तीन रिजल्ट आपको क्या मिलते हैं। तो फर्स्ट वन तो बी डी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए डी इंटू सी डी, ये आपको याद रखने हैं। फिर ए बी स्क्वेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो ए बी स्क्वेयर क्या मिलेगा ए डी इंटू ए सी, और अगर मैं बी सी स्क्वेयर की बात कर रहा हूँ तो बी सी स्क्वेयर क्या मिलेगा सी डी इंटू ए सी। ये तीनों के तीनों रिजल्ट आपको थ्योरम 6.7 से मिलते हैं और वो याद रखने हैं, और एक्सरसाइज 6.5 जब हम करेंगे तब इसमें ये सम नंबर थर्ड है, हमें ये पूरे के पूरा प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने अभी से प्रूव कर लिया है, तो थर्ड वन सम आपको अपनी ओर से अब ये वीडियो देख के सोल्व कर लेना है। ओके, अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के, हमारा पाइथागोरस थ्योरम था वो पाइथागोरस थ्योरम क्या था। बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही है कि कोई भी दो साइड है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तभी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड के स्क्वेयर के सम उसका हाइपोटेनियस के स्क्वेयर के सम जितना होता है। मतलब कि अभी ये थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन हमें गिवन क्या होगा, यहाँ पे गिवन है हमें, सपोज हम ले लेते कि ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और हमें प्रूव क्या करना होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वेयर मतलब ए सी स्क्वेयर हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर जितना मिलेगा ये हमें बताना है। अब सपोज इसकी फिगर अगर हम ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं तो फिगर इस तरह की हमें कुछ मिलेगी। सपोज कि ये मेरा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और ये इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं जो थ्योरम 6.7 में हमने ड्रॉ किया था। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ में हमने सबसे पहले ड्रॉ किया है ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, या तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट वन हम जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होते हैं, जो थ्योरम 6.7 में हम देख के आए हैं कि ए डी बी सिमिलर ए बी सी होता है बाय एंगल एंगल से। तो मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी स्क्वेयर मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। फिर दूसरी बात
कि यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल अगर हम लेंगे, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा, ए बी सी वो भी बाई एंगल एंगल से सिमिलर होगा, तो यहाँ से रिजल्ट हमने प्रूव किया था वो लिख देते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, इसको हम सेकंड नंबर बोल देते। और एक और बात कि यहाँ पे ए सी क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू, मैं ये बात लिख सकता हूँ, आप फिगर में भी देख सकते हो, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी में लिख सकता हूँ, ए डी प्लस डी सी, ओके, क्योंकि ए डी सी पॉइंट कुछ इस तरह से है, ए सी क्या होगा मेरा, ए डी प्लस सी डी या तो डी सी होगा। अब इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू अगर हम कर देते हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, ये बात हमें मिलने वाली है। अब आप यहाँ से ए सी को कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि ए सी है वो दोनों में मौजूद है, तो ए सी अगर हम कॉमन निकाल देते हैं, ए सी कॉमन निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा, ए डी प्लस सी डी, मतलब कि ए सी और ए डी प्लस सी डी क्या होता है, ए सी फिर से ए सी इंटू ए सी, मतलब हो जाएगा ए सी स्क्वेयर, तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें कंपल्सरी राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। इसके बाद एक लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का जो है कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, और एग्जाम में ये सारे थ्योरम 4 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं, तो कम से कम इस चैप्टर में से आपको थ्योरम तो कंपलसरी ही आने चाहिए। अब थ्योरम 6.9 कन्वर्जेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा थ्योरम है, कि जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसमें क्या था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तब राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एंगल 90 डिग्री है तब हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसकी दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम जितना होता है, पर ये उसका रिवर्स है। इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। मतलब कि यहाँ पे आपको गिवन क्या चीज है, गिवन आपको है कि ट्राइंगल ए बी सी में आपको दिया है कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर है, और आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूव करना है एंगल बी इज 90 डिग्री, और आपकी फिगर यहाँ पे इस तरह से होगी कि सपोज हम फिगर यहाँ पे इसकी ड्रॉ करते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, सपोज ए बी सी, जिसमें ये बात बोल दी है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, और मुझे बताना है कि बी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो प्रूफ में फर्स्ट वन हम उसका प्रूफ लेंगे, तो प्रूफ में हम करने वाले हैं कि इसके जैसा ही एक हम दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारी एक्स वाई सिस्टम है। अब यहाँ पे ओ पॉइंट क्यू पॉइंट ले लेते, सॉरी ओ पॉइंट है हमारा। अब आप देख सकते हो कि जितना बी सी है उतना मैं यहाँ पे एम ड्रॉ कर रहा हूँ, और जितना ए बी है उतना यहाँ पे एन ड्रॉ कर रहा हूँ, और एन एम को ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर से कि ये मेरे एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट वन क्या किया, प्रूफ टू कंस्ट्रक्ट, हमने एक बात ड्रॉ की है कि जितना बी सी है उतना मैंने ओ एम ड्रॉ किया है, और जितना ए बी है उतना मैंने ओ एन ड्रॉ किया है, फिर ज्वाइन कर दिया है एन एम को, ज्वाइन एन एम, ये दोनों साइड को मैंने ज्वाइन कर दी है। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वेयर प्लस ओ एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एम एन स्क्वेयर। ओ एम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी सी स्क्वेयर प्लस ओ एन की जगह पे लिख सकता हूँ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम एन स्क्वेयर होगा, बट मुझे दिया हुआ है कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर है, बट हमें यहाँ पे ये चीज दी हुई है कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे मैं एम एन की जगह पे ए सी स्क्वेयर लिख सकता हूँ बी सी स्क्वेयर, मतलब कि एम एन इज इक्वल टू ए सी होगा, एम एन इज इक्वल टू ए सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एम एन इज इक्वल टू ए सी है, तो अब ट्राइंगल आप ले लो, कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी
फोर ट्राइंगल एन ओ एम, तो जहां पे जितना ए बी होगा उतना ओ एन होगा, जितना बी सी होगा उतना ओ एम होगा, और जितना ए सी होगा उतना एम एन होगा। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रूट है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रूट ट्राइंगल होगा, कॉन्ग्रूट ट्राइंगल होगा एन ओ एम बाई साइड साइड साइड। मतलब कि बाय सीपीसीटी में ये बात यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जितना एंगल बी और एंगल ओ इक्वल होगा, और यहाँ पे एंगल ओ है वो 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी भी मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये बात हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की ओपोजिट साइड जो है, हमारे हाइपोटेनियस की ओपोजिट साइड जो हमें मिलती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखते हैं, टेंथ वन एग्जाम्पल में डेटा में आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल, ट्राइंगल इन फिगर ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दो थियरम हमारे खत्म हो जाते हैं, दोनों थियरम है हमारे लिए आई एम पी थियरम है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 10। तो 10 में आपको दिया हुआ है कि इन फिगर 6.48 ए सी बी इज इक्वल टू 90, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है। मतलब कि फिगर कुछ इस तरह की आपको दी है, यहाँ पे हम अगर ड्रॉ कर देते हैं तो फिगर दी है ए सी बी एंगल 90 डिग्री है आपका, ये एंगल 90 डिग्री है एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है। तब मुझे प्रूव करना है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो फर्स्ट वन यहाँ से ये बात मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल होगा ए बी सी, ए सी डी और ए बी सी थियरम 6.7 से। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, बी सी और ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा, ए डी इंटू ए बी मिलेगा, ए सी स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ए सी स्क्वायर मुझे मिलेगा ए डी इंटू ए बी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए बी, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ। दूसरा मुझे चाहिए बी सी डी, बी सी डी मतलब कि ट्राइंगल वही ले लेता हूँ, बी सी डी सिमिलर ट्राइंगल होगा ए बी सी। तो यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी, ये हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से हम ये बात लिख सकते हैं, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी अपॉन ए डी इंटू ए बी। तो ए बी ए बी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी डी अपॉन ए डी, और हमें वही प्रूव करना था, बी सी स्क्वेयर अपॉन ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो ये हमारा आंसर है एग्जाम्पल 10 का। अब देखते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में आपको दिया हुआ है कि एक लेडर है वो प्लेस की हुई है, डिस्टेंस उसका कोई दिया है, मतलब कि रेडल लेडर है जो कोई भी वॉल के सहारे पे रखी हुई है, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी, वो बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सम में क्या दिया हुआ है आपको, कि इज ए लेडर प्लेस अगेंस्ट द वॉल सच दैट इज फुट इज ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट स्टॉप रीच द विंडो 6 मीटर एबो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। आपको लेडर की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि आपको डेटा में कुछ इस तरह की बात दी है कि सपोज ये आपका ए बी सी है, और ए बी है वो आपकी वॉल है जो 6 मीटर की बोली है, और ये आपको 2.5 मीटर वॉल से अवे है, और ए सी आपकी लेडर है, तो आपको ये ए सी फाइंड करना है। तो मैं बात डायरेक्टली लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना, ये हमें दिया है 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 25 का स्क्वायर होता है 625, और दो पे पॉइंट काट लेना है तो 42.25, मतलब कि ये होगा 6.5 सेंटीमीटर, तो सॉरी मीटर में दिया है, तो लेडर की लेंथ मीटर में है, तो ये होगा 6.5 मीटर। सिंपल है, ओनली पाइथागोरस थ्योरम का ही आपको यूज करना था यहाँ पे। एग्जाम्पल 12 देखते हैं कि फिर से आपको एक फिगर दी हुई है, एग्जाम्पल 12 में इन फिगर हम डायरेक्टली फिगर उठा लेते हैं और आपको क्या प्रूव करने को बोला है वो
लिखते हैं। आपको एक फिगर दी हुई है और फिगर पे से आपको प्रूव करना है, इस तरह की एक फिगर आपको दी हुई है और आपको बोला है कि प्रूव कर दो। यहाँ पे प्रूव करने को आपको बोला है कि आपको प्रूव करना है ट्वेल्थ में ए बी स्क्वेयर, ये बात प्रूव करने को बोली है, ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ए बी स्क्वेयर मतलब कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी स्क्वेयर चाहिए मुझे, तो ए बी डी ट्राइंगल लेना होगा मुझे, ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी दो ट्राइंगल ले लेते हैं। मैं फर्स्ट वन ट्राइंगल ए डी बी ले रहा हूँ, तो वहां पे पाइथा भाई क्या होगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर। आपको कहीं पे भी स्क्वेयर के फॉर्म में दिखाई दे और सम का रिलेशन है तो मेजोरिटी पाइथागोरस थ्योरम ही आपको यूज कर देना है। दूसरा दिया है ए सी डी, तो ए सी डी में आपका होगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। अब देखो आपको ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर चाहिए, ए बी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर चाहिए, तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ तो कुछ ना कुछ रिलेशन मुझे मिल जाएगा। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू है उस दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि प्लस करने से तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर मिलेगा, वो मुझे चाहिए नहीं। तो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। तो ये ए डी स्क्वेयर घर पे, तो ए बी स्क्वेयर सी डी स्क्वेयर वहां पे माइनस इधर आएगा, तो प्लस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू की उधर जाएगा, तो प्लस ए सी स्क्वेयर। यही बात मुझे प्रूव करनी थी, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। 13 में हमें दिया है कि एक फिगर दी है बी एल और डेटा दिया है, मैं आपके सामने दोनों चीज पुट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। आपको 13 का डेटा दिया हुआ है कि इन्हें ट्राइंगल मीडियन की बात की है यहाँ पे, कि इन्हें ट्राइंगल बी एल एंड सी एम आर द मीडियन, बी एल एंड सी एम आर द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। आपका ए बी सी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तब आपको बात बतानी है कि 4l 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वेयर, ये बात आपको बतानी है। आपको डेटा कुछ इस तरह का दिया हुआ है, बी एल एंड सी एम आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ए, प्रूव दैट 4 बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वेयर। तो सबसे पहले आपको जहां जहां राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है उसकी लिस्ट बना लो और वहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की सोचो। तो यहाँ पे तो फर्स्ट वन में ट्राइंगल का आपको लिस्ट दे देता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा है ट्राइंगल बी एल ए और तीसरा है ट्राइंगल सी एम ए। आपको ये तीन ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों में अगर मैं पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर देता हूँ तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ। दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी एल में या तो बी एल में, ए बी एल में क्या मुझे मिलेगा, बी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एल स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, इसको मैं सेकंड नंबर बोल देता हूँ। अब देखो आप कि आपको प्रूव क्या करना है, बी एल और सी एम चाहिए आपको, बी एल का स्क्वेयर प्लस सी एम का स्क्वेयर। तो यहाँ पे बी एल स्क्वेयर मुझे बोला है कि बी एल एंड सी एम आर द मीडियम, तो फर्स्ट वन तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि ए एल की जगह पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ए एल कितना होगा, हाँ मीडियन है तो मैं यहाँ पे ये बात आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ए एल की जगह पे ए एल अगर मिड पॉइंट है ए सी का तो ये बात होगी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एल, तो ए एल की जगह पे मैं ए सी बाई टू लिख सकता हूँ, ओके ए सी बाई टू। उसी तरह से अभी एम पॉइंट तो कहीं पे आया नहीं है तो यहाँ पे मैं ए एल की जगह पे ए सी बाई टू लिख देता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे बी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी बाई टू का होल स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, मतलब कि यहाँ पे ए सी बाई टू का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर बाई फोर, एलसीएम ले लेते हैं एक स्टेप कम कर देते हैं, तो यहाँ पे यही बात आपकी हो जाएगी 4 बी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस 4 ए बी स्क्वेयर। इसको हम कोई ना कोई एक इक्वेशन नंबर
बोल देते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन है हमारा। अब एक ट्राइंगल और बचता है, ट्राइंगल सी एम ए। ट्राइंगल सी एम ए तो वहां पे मैं क्या लिख सकता था, सी एम का स्क्वेयर हाइपोटेनियस होगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए एम स्क्वेयर। अब आप फिगर में देख सकते हो कि एम भी उसका आपका मिड पॉइंट है, एम भी आपका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए एम मतलब कि ए बी इज इक्वल टू टू ए एम आप लिख सकते हो, मतलब ए एम की जगह पे ए बी बाई टू लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी बाई टू का होल स्क्वेयर। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि टू ए एम इज इक्वल टू ए बी होगा, तो ए एम हमें क्या मिलेगा, ए बी बाई टू मिलता है, तो हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम अगर सोल्व करने जाएंगे तो हमें मिलेगा फोर सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, फोर्थ नंबर। अब आप देख सकते हो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर को ऐड करता हूँ, इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर, तो मुझे क्या मिलेगा, फोर बी एल स्क्वेयर प्लस फोर सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस फोर ए बी स्क्वेयर प्लस फोर ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर मिलेगा। अब फोर यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो फोर को कॉमन निकाल देते हैं, बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव ए सी स्क्वेयर प्लस फाइव ए बी स्क्वेयर, ये बात मिलेगी। अब यहां से फोर बी एल स्क्वेयर, फोर बी एल स्क्वेयर क्या मिलेगा वो लिख देते हैं कि फोर बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव कॉमन ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर आप इक्वेशन वन से देख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है, तो उसकी जगह पे मैं बी सी स्क्वेयर लिख सकता हूँ। तो फोर बी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव बी सी स्क्वेयर, हमें यही बात प्रूव करनी थी 13 एग्जाम्पल में। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में आपको दिया हुआ है कि ओ है वो पॉइंट है आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी का, तब आपको प्रूव करना है। क्या चीज दी है अभी आपके स्क्रीन के सामने मैं पुट कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल 14 में आपको दिया ओ इज द पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी, कि ए बी सी डी रेक्टेंगल के इनसाइड में एक ओ पॉइंट है, तब आपको प्रूव करना है ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर, ये बात आपको बतानी है। और फिगर आपको दी हुई है इस तरह के, ओ पॉइंट है आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल के इनसाइड में है, तब आपको प्रूव करना है ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि पी क्यू और बी सी है वो दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दी है, और पी क्यू परपेंडिक्यूलर ए बी और सी डी होगा, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आपको स्क्वेयर के फॉर्म में प्रूव करना है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने होंगे, तो फर्स्ट ट्राइंगल हम ले रहे हैं ओ पी बी ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी बी। ओ पी बी ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी मेरा हाइपोटेनियस होगा, मतलब ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर, इसको हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। दूसरा ट्राइंगल आपको अगर दिखा दे रहा है तो ए पी ओ ट्राइंगल है, और ट्राइंगल ए पी ओ या तो ट्राइंगल ओ ए पी, तो ट्राइंगल ओ ए पी ले लेते हैं। ओ ए पी में भी ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर, सेकंड नंबर दे देते हैं। फिर थर्ड हम वन है ओ क्यू सी, ट्राइंगल है ओ क्यू सी, और वहां पे क्या होगा, ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू सी स्क्वेयर, इसको हम थर्ड नंबर बोल देते। और फोर्थ वन है ट्राइंगल ओ क्यू डी, और वहां पे होगा ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर प्लस डी क्यू स्क्वेयर या तो क्यू डी स्क्वेयर। हमें ये चारों 90 डिग्री के थे, और वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते थे। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर चाहिए, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन फोर को यहाँ पे हम एड करते हैं, एड इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन फोर, ये दोनों को अगर हम एड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर
इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर प्लस डी क्यू स्क्वेयर, ये बात मिलेगी। अब पी बी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर प्लस डी क्यू स्क्वेयर, अब आप देख सकते हो कि पी बी स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर की जगह पे फिगर में से आप देख लो कि पी बी स्क्वेयर की जगह पे आप सी क्यू स्क्वेयर लिख सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल है वो दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मैं पी बी स्क्वेयर की जगह पे सी क्यू स्क्वेयर लिख देता हूँ प्लस ओ पी स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर और डी क्यू की जगह पे मैं ए पी का स्क्वेयर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर रीजन लिखना चाहूँ तो जितना पी बी है उतना सी क्यू होगा, फिगर में से आप चेक कर लेना, जितना डी क्यू है उतना आपका ए पी होगा, ये इसका रीजन है। अब सी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर, सी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर आप देख सकते हो कहीं पे है आपके पास सी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर, आपको ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ओ सी स्क्वेयर की जगह पे आप ओ क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू सी स्क्वेयर लिख सकते हो, तो ओ क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू सी स्क्वेयर, जहाँ पे मैं ग्रीन पेन से यहाँ पे आपको डार्क लाइन करके दे रहा हूँ वो आपका क्या होगा ओ सी स्क्वेयर होगा, तो उसकी जगह पे आप ओ सी स्क्वेयर लिख सकते हो इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर प्लस, अब दूसरा जो आपके पास ओ पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर है तो इक्वेशन नंबर देख लीजिए ओ पी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर की जगह पे आप ओ ए स्क्वेयर लिख सकते हो, तो ओ ए स्क्वेयर मतलब कि ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ ए स्क्वेयर होगा, तो आपको यही बात प्रूव करनी थी। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लास्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।